नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो भाई जुड़े हैं उनका भी और जो जुड़ेंगे उनका भी। दोस्तों, कई बार बकरियों के बच्चे में लूज मोशन का शिकायत हो जाता है। गोबर तो आ ही रहे हैं लेकिन मेगनी नहीं बन रही है, वो घुल कर ही आ रही है। लेकिन उस केस में साथ ही साथ झाग भी आने लगते हैं, मुकस भी आने लगते हैं। अगर इसमें झाग आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कुछ ना कुछ अंदर खराब हो चुका है, और इसे आप जल्दी से जल्दी ठीक करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो जो अंदर झाग आ रहे हैं उसे ठीक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? ऐसी दस जिसमें झाग आ रहे हैं उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, एक प्रकार की टेबलेट जो आती है, मैं स्क्रीन पे दे दूंगा, पूरा लिस्ट दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, बढ़िया से समझ लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और बढ़िया से उसको समझना होगा तो ही आप इसका इलाज कर पाएंगे। तो करना क्या एक है, प्रकार एक की टेबलेट आती है जिसका नाम है फेंटास प्लस। ये फेंटास प्लस जो टेबलेट है उसे आप 15 केजी पर, एक टेबलेट आप देंगे 15 केजी पर, और ये जो फेंटास प्लस आती है वो है 150 mg की आती है, यानी 150 mg को 15 से 20 किलो पर यूज कर सकते हैं, यानी 15 से 20 किलो वाली बकरियों को दे सकते हैं, एक टेबलेट दे सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बकरी 30 केजी की है तो 2 टेबलेट दे दें और बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा जरूरी भी है, आप वास्तव में देखा जाए तो यह एक तरह के डिवार्मिंग की दवा है, यानी पेट के कीड़े मारने की दवा है। लेकिन जहां पर झागदार दस्त हो रही है वहां ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा सेकेंड नंबर पे झागदार दस्त के लिए आपको यूज करना है मेटाजेल, एक सिरप आती है, क्योंकि ह्यूमन की ही ज्यादातर मिलती है। इस सिरप का नाम है मेटाजेल, फेजिल के नाम से भी आती है, फेजिल के नाम से भी मेटाजेल के नाम से भी आ सकती है। इस सिरप को आप ला करके 1 ml प्रति 4 kg बॉडी वेट पर आपको देना है, और बीडी देना है, यानी कि सुबह शाम आप इस मात्रा को दे दीजिए। डिवार्मिंग का आपको पता ही है, सिर्फ एक ही बार में की जाती है, लेकिन ये जो है सुबह शाम दोनों समय देनी है। लेकिन इसके नहीं देना है अकेले, इसको अकेले नहीं देना है, इसे देना है एक बोलस के साथ, और उस बोलस का नाम है पावाडीन। क्या नाम है उसका? पावाडीन। आप अगर पावाडीन बोलस के साथ अगर देते हैं तो 100%, यानी कि 100% रिजल्ट मिलेगा। हाफ बोलस हमें हमें देना होता है, और वो भी 30 kg के आसपास का जो बच्चा है उसे। अगर 30 kg से कम है कोई बकरी तो उसे कंडीशन में आप उसे 1/4 भी कर सकते हैं, और अगर 60 kg से ज़्यादा है तो 60 से 100 kg तक हम एक बोलस भी दे सकते हैं। तो ये इलाज एक दो टाइम किया जाए तो कंप्लीट बकरे बकरी की ठीक किया जा सकता है, जिससे झागदार दस्त हो रहे हो। इसके अलावा जो भी मेडिसिन आप दे रहे हैं वो अपने नज़दीकी पशु पशु चिकित्सक के देख रेख में दें और ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के माध्यम से बना रहे हैं, और पूरी नॉलेज चाहिए हो तो हमारे क्लास जो चलता है ऑनलाइन, हर महीने की 1 तारीख से 1 महीने की क्लास चलती है, उसे जोड़ सकते हैं, ज्वाइंट कर सकते हैं, और वो जुड़ने के बाद आपको ज़्यादातर दवाइयों के बारे में, हर तरह का नॉलेज के बारे में बताया जाता है, संपूर्ण जानकारी दी जाती है। हमारा कॉन्सेप्ट वही है कि इलाज के तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, इलाज हम बहुत बेहतर से बताते हैं। तो इलाज जानने के लिए हमारे ऑनलाइन सेक्शन में जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है आप संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ज्यादा ना बोलते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय जोहार, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।